एक मेरा ध्यान है, ये इतिहास का पहला अवसर है कि जब गंगा जी के किनारे आरती उतारने के पर्व के मौके पर एक मुसलमान धर्मगुरु आपके साथ आए। ये देश महान देश है, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया कि ये देश संतों से पहचाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही कही है। हम जाते हैं अरब काबे को देखने के लिए, पैगंबर के मौजूदियों को देखने के लिए, ईरान में जो रोजे हैं उसको देखने के लिए, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं संतों को देखने के लिए। मैं बेदार हूँ चूँकि लोग आते हैं मेरे यहाँ ठहरते हैं, मैं उनको लेके संतों के पास जाता हूँ, इसलिए मैं आँखों देखी बात है, कानों सुनी बात नहीं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, आपके धर्म को गलत लोगों ने बहुत बदनाम किया, आपको पिक्चर क्लियर करनी चाहिए। पिक्चर क्लियर करने का बस एक ही तरीका है, ढंग है। ईरान से कुछ संत मेरे पास आए थे, मैं ये आपकी किस्मत में अर्ज कर चुका हूँ सेवा में, उनका हम संतों से मिलना चाहते हैं, तो हम उनको लेकर सीधे वाराणसी आ गए, लेकिन लखनऊ में इतने अच्छे संत नहीं हैं। वहाँ हम एक मंदिर में गए, मैं आपसे बता चुका हूँ, मंदिर की दीवारों के ऊपर गीता जी के श्लोक थे, मैं उन श्लोकों को पढ़कर आश्चर्यजनक हो गया। वो मेरे साथ कोई सात आठ बड़े बड़े उलमा थे ईरान के मुसलमान, मैंने उनके सामने एक श्लोक को अपने अंतर दिल में पढ़कर उसका अनुवाद किया पर्शियन में, फिर मैंने पूछा ये क्या है, मैं के लिए तो कुरान की फुला आयत है, तो मैंने कहा कुरान की आयत नहीं, गीता का श्लोक है। फिर मैंने दूसरा श्लोक उसका अनुवाद किया, उसके लिए सात श्लोक मैंने पढ़े और उसको अनुवाद किया मैंने पर्शियन में, तो उन्होंने यही कहा कि यह कुरान है। तब उनकी ज़हनियत और मेंटेलिटी हिंदुज़्म के बारे में चेंज। आप लोग जल्दी बताइए, आप लोग गीता से कितना प्रभावित हैं, आप यकीन कीजिए कि गीता जब मैं सोता हूँ तो मेरे सराहने गीता रखी रहती है, जब मैं सुबह को उठता हूँ तो पुराण पढ़ता हूँ, सोता हूँ तो गीता पढ़ता हूँ। इसलिए ये किताब आपकी धार्मिक पुस्तक है, बहुत फिलोसफर की किताब है, बड़ी डेप्थ है इसमें। इस किताब को आप सारी दुनिया में फैलाइए, लोग कहते हैं इसको नेशनल बुक बनाइए, आप नेशनल बुक बनाइए। नेशनल बुक होने के साथ साथ गीता ऐसी पुस्तक है कि इसे इंटरनेशनल बुक दुनिया के हर जबान में इसका ट्रांसलेशन, हर जबान में इसका अनुवाद होना चाहिए। और बाकी हमारे जो स्वामी जी हैं, मैं गंगा जी के इस पार किनारे के ऊपर यहाँ बहुत से लोग मुरादें मांगने भी आते होंगे, गोता लगाने के लिए भी आते होंगे, मैं भी आज आपसे एक मुराद मांग रहा हूँ, और मेरी मुराद ये है कि आप मुझे अपनी सेना का एक सिपाही बनाएं। शिक्षा देश में कैसे पढ़ाए, गुफ्तगू हो रही थी तो अनपढ़ उनको कैसे पढ़ाया जाए, जो बच्चे जिनके पास शिक्षा नहीं है उनको कैसे पढ़ाया जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं भी ये छोटा सा काम कर रहा हूँ, आप काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिन जिन गांव में और देहातों में हमने बच्चों को पढ़ा लिया, वहाँ से झगड़े ख़त्म हो गए, वहाँ के बूढ़े हमारे पास आए कि मौलाना साहब हम लड़ते हैं तो ये बच्चे हमको रोकते हैं कि लड़िए नहीं, पढ़े लिखे लोग लड़ते नहीं। ये हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं इनको हम सब मिलकर पढ़ाएं, जब ये पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो ये बड़ों को लड़ने से रोकेंगे। ये देश हमारा है, इस देश के लिए हमें हर बलिदान देने के लिए आदरणीय मौलाना साहब कह रहे हैं कि आप वादा करिए कि आपने मुझे जोड़ लिया, सच तो ये है कि मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। आपकी विशालता है, उदारता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे सच्ची बात है।
माता की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, कल हम सब गंगा सागर में थे और उसे मोक्ष का सागर कहते हैं। कल जब सभी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे और भी विद्वान थे, जब मोक्ष के सागर में हम बैठे थे, लगता था सबको सुनने के बाद ये मोक्ष का सागर ही नहीं बल्कि एक मोहब्बत का सागर, मोहब्बत का सागर है गंगा सागर। और मैं तो कहना चाहता हूँ आज, क्योंकि हम